हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेआर मंत्रा। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो आज का लेसन प्लान है वो एनसीईआरटी बुक से है, क्लास सेवन्थ का, और टॉपिक है ब्रिंगिंग अप करी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुझे बहुत प्यारी लगी ये स्टोरी। तो गाइस, ये स्टोरी एक बेबी एलिफेंट की है, जो कि आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो आपको ये लेसन प्लान भी आई होप कि बहुत पसंद आएगा। तो गाइस, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। मैंने आपको इंग्लिश के 37 लेसन प्लान प्रोवाइड कर दिए हैं, और मैंने आपको ज्योग्राफी के भी 27 लेसन प्लान, और मैंने आपको मैथ, इकोनॉमिक्स के साथ साथ बीएड के प्रैक्टिकल फाइल्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं। आई होप कि वो सब आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो चलिए, आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप इसका फॉर्मेट देख लीजिए गाइज, कैसे बनेगा। आप गाइज यहाँ पर ऐसे कॉलम्स बना लेंगे, और यहाँ पर आके हमारा ये लेसन प्लान एंड होता है। तो प्लीज़, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको ये लेसन प्लान पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपको नहीं पसंद आता है तो प्लीज़ आप रीज़न लिख दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन प्लान। सबसे पहले यहाँ पर आप लेसन प्लान नंबर लिख लीजिएगा, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा। तो ये मेरा 38 लेसन प्लान है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है। देन आप यहाँ पर नेम ऑफ स्कूल लिखेंगे, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस स्कूल का नाम लिख लीजिएगा। देन आप नेम ऑफ पीपल टीचर, मीन्स आप अपना नाम लिख लीजिएगा। पीपल टीचर मीन्स होता है गाइस छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। तो जब आप बीएड कर रहे होते हैं तो आप एक छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होते हैं, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख लेंगे। इसके बाद आप ऐसे स्ट्रक्चर बना लेंगे, इसमें देखिए डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, पीरियड एंड ड्यूरेशन का। तो यहाँ पर आपकी टीचिंग जिस डेट को लगी होगी आप डेट लिख लीजिएगा। इसके बाद क्लास सेवन्थ लिख लीजिएगा, फिर सब्जेक्ट में इंग्लिश, सब सब्जेक्ट में आप प्रोज लिख लेंगे। उसके बाद ड्यूरेशन में अपना टाइमिंग लिख लीजिएगा, क्लास का कितने मिनट की क्लास है। देन है आपका टॉपिक, टॉपिक है ब्रिंगिंग अप करी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब हम आगे चलते हैं जनरल एम्स। जनरल एम्स मीन्स होता है आपका सामान्य उद्देश्य। तो आपकी इंग्लिश टीचिंग से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, यही होता है आपका जनरल एम्स। तो यहाँ पर देखिए आप कुछ पॉइंट्स इसमें लिखेंगे, 6 to 8 पॉइंट्स। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू डेवलप अ कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू ट्रांसफर द रूल ऑफ ग्रामर ऑफ दियर स्टडी कोर्सेज, टू इनेबल द स्टूडेंट टू रीड द लेसन विद करेक्ट प्रोनाउंशिएशन, टू डेवलप दियर पावर ऑफ लॉजिकल थिंग्स, टू डेवलप द वोकेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, टू प्रमोट द राइटिंग एबिलिटी इन स्टूडेंट्स, टू इनेबल देम टू गेट एंजॉयमेंट थ्रू द रीडिंग ऑफ इंग्लिश। तो ये होता है आपका जनरल एम्स। देन है आपका स्पेसिफिक एम। स्पेसिफिक एम मीन्स होता है गाइस विशिष्ट उद्देश्य, आपकी इंग्लिश टीचिंग के अंडर में आप क्या पढ़ा रहे हैं, ब्रिंगिंग अप करी। तो ये टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, यही होता है आपका स्पेसिफिक एम। तो इसमें देखिए आपके 3 एम्स होते हैं, नॉलेजिकल ऑफ एम, प्रैक्टिकल ऑफ एम एंड इमोशनल ऑफ एम। तो इसमें देखिए आप 2-2 पॉइंट्स लिखेंगे, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द लेसन ब्रिंगिंग अप करी। नेक्स्ट है आपका टू इनेबल देम टू नो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग अप करी, मतलब करी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इस चैप्टर में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई गई है। तो ये देन है आपका प्रैक्टिकल ऑफ एम्स, टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मोरल एंड रिजियर। देन है आपका टू डेवलप दियर इंटरेस्ट इन द लेसन ब्रिंगिंग अप करी। नेक्स्ट है टू डेवलप द पावर ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन द पैसेज ऑफ द लेसन ब्रिंगिंग अप करी। तो यहाँ तक आपका स्पेसिफिक एम एंड होता है। देन है आपका प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज मीन्स होता है आपका पूर्व ज्ञान। तो बच्चों को जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, कुछ भी पढ़ाते हैं, तो हमेशा उसके पूर्व ज्ञान से संबंधित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका है प्रीवियस नॉलेज, स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी सम नॉलेज अबाउट द लेसन ब्रिंगिंग अप करी। नेक्स्ट है मटेरियल एड्स, ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट लाइक चॉक, डस्टर, चार्ट, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, ETC। गाइज यहाँ पर ब्लैक बोर्ड मीन्स रोलिंग बोर्ड है, जो आप लपेट शैम्पट ले जाते हैं वो है। देन है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना के प्रश्न आपके बहुत ही ईजी होने चाहिए, जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हों। तो यहाँ पर देखिए आप बच्चों से कुछ ईजी क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा नहीं है कि आप बहुत टफ पूछ लें और बच्चे आंसर तक ना दे पाएँ। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन पूछेंगे, टेल द नेम ऑफ सम स्मॉलेस्ट एनिमल। तो बच्चे आंसर देंगे डॉग, कैट, फॉक्स, रैबिट, ETC। देन आप क्वेश्चन पूछेंगे, टेल द
गाइज यहाँ पर द और द हो गया है, तो यहाँ पर टेल लिख लीजिएगा, टेल द नेम ऑफ सम बिगेस्ट एनिमल, ठीक, टेल द नेम ऑफ सम बिगेस्ट एनिमल। तो यहाँ पर देखिए बच्चे आंसर देंगे काऊ, एलिफेंट, हॉर्स, लायन, ईटीसी। देन है आपका, हैव ऑल ऑफ यू एवर हर्ड द स्टोरी रिलेटेड टू द एलिफेंट नेम्ड करी, यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। देन आपका होता है स्टेटमेंट ऑफ द एम्स, डियर स्टूडेंट्स टूडे वी शैल स्टडी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ब्रिंगिंग अप करी। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देन है आपका प्रेजेंटेशन, गाइस प्रेजेंटेशन मीन्स होता है प्रस्तुतिकरण, आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को यहाँ पर आप इंडिकेट कर देंगे कि आप इस क्लास में कहाँ से कहाँ तक इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो देखिए मैंने लिया है करी द एलिफेंट वॉज 5 से लेकर पुल्ड अस बोथ अशोर, तो यहाँ तक मैंने लिया है जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। देन है आपका मॉडल रीडिंग, मॉडल रीडिंग क्या होता है, आप उस पैसेज को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में, इंटोनेशन में, पॉज एंड डिस्टर के साथ बच्चों को रीड करके सुनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए द प्यूपल टीचर विल रीड द पैसेज एलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पॉज एंड डिस्ट्रेस। देन है आपका इमिटेशन रीडिंग, तो ये क्या है, अभी अभी आपने उसको करेक्ट वे में, उस पैसेज को करेक्ट वे में पढ़ के सुनाया है, अब बच्चे उस चीज़ को इमिटेट करेंगे। इमिटेशन मीन्स होता है अनुकरण करना। तो यहाँ पर देखिए द प्यूपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड द पैसेज अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पॉज एंड स्ट्रेस। देन है आपका प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, क्या होता है, आप उस पैसेज के डिफ़िकल्ट वर्ड्स को ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं ताकि बच्चे उसे अपनी नोटबुक में लिख सकें और उसे लर्न कर सकें और समझ सकें कि कैसे इसका प्रोनाउंस होगा, कैसे इस वर्ड्स को प्रोनाउंस किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप कुछ वर्ड्स लिख देंगे, च्यू, सैंड, रब्ड, स्क्वील, लशेस, ट्विक्स, सैपलिंग्स, ड्रॉनिंग। तो यहाँ पर देखिए आपका प्रोनाउंसिएशन ड्रिल हो गया। देन है आपका एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, आप उन वर्ड्स की मीनिंग लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए च्यू मीन्स होता है चबाना, सैंड मीन्स रेत, रब्ड मीन्स रगड़ना, स्क्वील मीन्स जोर की चीख निकालना, लशेस मीन्स स्वादिष्ट मीन्स डिलीशियस, ट्विक्स मीन्स टहनियाँ, सैपलिंग मीन्स नए पौधे, ड्रॉनिंग मीन्स डूबना। तो यहाँ पर आपका आगे ये भी एंड होता है। तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देन है आपका एक्सप्लेनेशन, द पीपल टीचर विल एक्सप्लेन द पैसेज एंड स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, यहाँ पर बच्चे केयरफुल होके सुनते हैं और आप उस पैसेज को रीड करके सुनाते हैं। तो यहाँ पर है इसके बाद साइलेंट रीडिंग, द स्टूडेंट विल रीड द पैसेज साइलेंटली, अब बच्चे उस पैसेज को साइलेंट होके खुद से रीड करेंगे। देन है आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन मीन्स आप उस क्वेश्चन, उस पैसेज में से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों से ताकि बच्चों को आप कॉम्प्रिहेंड कर सकें। तो यहाँ पर देखिए आप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे उस पैसेज से रिलेटेड, हु वॉज करी, तो बच्चे आंसर देंगे करी वॉज द 5-month-old एलिफेंट। नेक्स्ट आपका हाउ ओल्ड वॉज करीज फ्रेंड, तो बच्चे आंसर देंगे करीज फ्रेंड वॉज 9-year-old। देन आपका क्वेश्चन हाउ मैनी ट्विक्स डिड करी ईट इन अ डे, तो बच्चे आंसर देंगे करी ईट 16 kilograms ट्विक्स इन अ डे। देन है आपका क्वेश्चन हु यूज टू कलेक्ट ट्विक्स एंड सैपलिंग्स फॉर करी, तो यहाँ पर बच्चे आंसर देंगे करीज फ्रेंड यूज टू कलेक्ट ट्विक्स एंड सैपलिंग्स फॉर करी। तो यहाँ पर देखिए आपका ये भी एंड होता है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। देन है आपका इवैल्यूएशन क्वेश्चन, अब आप बच्चों को यहाँ पर इवैल्यूएट करते हैं, फिर से उनका मूल्यांकन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप कुछ और क्वेश्चंस पूछेंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्क्वील, हु रब द सैंड ऑफ द रिवर ऑन करी, हाउ डिड करीज स्किन शाइन लाइक। तो यहाँ पर आपका आगे ये भी एंड होता है। देन है आपका होमवर्क, तो आप यहाँ पर होमवर्क दे देंगे, लर्न द वर्ड मीनिंग ऑफ द लेसन ब्रिंगिंग अप करी। तो यहाँ पर आके आपका ये लेसन प्लान एंड होता है। आई होप गाइस कि आपको पसंद आया हो और आप अच्छे से अंडरस्टैंड भी हुए होंगे। तो अगर आपको मेरा ये लेसन प्लान पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए।
थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।